वजीर आजम मोदी ने कहा है कि बीजेपी आइंदा असेंबली इंतखाबात में तेलंगाना में बीआरएस और कांग्रेस का सफाया करेगी। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने 2021 के बल्दी इंतखाबात में ट्रेलर दिखाया है और आने वाले इंतखाबात में पूरी फिल्म दिखाएगी। उन्होंने हनमकुंडा आर्ट्स कॉलेज मैदान में मुनाकदा जलसे से खताब करते हुए कहा कि जब मुल्क में बीजेपी के पास दो पार्लिमानी सीटें थी तो इसमें से एक हलका हनमकुंडा की थी। उन्होंने कहा कि वो तेलंगाना की तरक्की के लिए 9 सालों से सख्त मेहनत कर रहे हैं। तेलंगाना की तरक्की बीजेपी का मकसद है। उन्होंने कहा कि मुल्क की तरक्की में तेलंगाना का रोल अहम है। उन्होंने कहा कि माजी के मुकाबले तेलंगाना में सरमायाकारी में नुमाया इजाफा हुआ। उन्होंने कहा कि इन सरमायाकारी का फायदा तेलंगाना के नौजवानों को पहुंच रहा। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत हर वक्त उन पर तनकीद करती है। यहाँ की हुक्मरान जमात खानदानी सियासत को फरोग दे रही। उन्होंने चंद्रशेखर राव हुकूमत को बदउनवान करार दिया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में एक भी प्रोजेक्ट ऐसा नहीं जिसमें बदउनवानी के इल्जाम ना हो। उन्होंने कहा कि पहले दो रियासतों के दरमियान तरक्की के मुआहदे होते थे, अब दो रियासतों के दरमियान करप्शन के मुआहदे हैं।